दोस्तों ये कहानी है रायबरेली की, जिनको दोस्तों आज लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं, दिखाते हैं। लेकिन क्या आप लोग बताए कि रायबरेली से इन्होंने किस तरीके से अपनी लाइव इन्हों स्टार्ट किए थे, आज इनकी पोजीशन क्या है, यूट्यूब कितना अर्निंग करती है। दोस्तों मैं आप लोगों को सारी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि दोस्तों बहुत से ऐसे क्रिएटर यूट्यूबर हैं जो कि ऐसे ऐसे मुकाम से निकल के उभरे हुए हैं और अच्छे खासे मुकाम पहुँच के हैं। बहुत से लोग यही सोचते हैं कि हमारे पास कैमरा नहीं है, लैपटॉप नहीं, कंप्यूटर नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोग बता दूँ, यदि आपके अंदर टैलेंट है तो आपको सक्सेस होने में कोई भी नहीं रोक सकता है। तो चलिए जानते हैं रिंसू यादव के बारे में और ये कहां से अपनी लाइफ जर्नी स्टार्ट किया था, आज इनकी पोजीशन क्या है और दोस्तों लोग इतना ज़्यादा इनको क्यों सपोर्ट करते हैं, सारी जानकारी दोस्तों मैं आप लोग को वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को आप लोग देख के समझ जाएंगे कि रिंसू यादव कैसे अपनी लाइफ जर्नी स्टार्ट की थी, आज इनकी पोजीशन क्या है, यूट्यूब कितना अर्निंग करती है, सारी जानकारी मैं आप लोग को बताऊंगा। तो दोस्तों कहा जाता है कि यदि लोग अपने काम पे फोकस लगातार करेंगे तो दोस्तों उनको सक्सेस होने में कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों इसी प्रकार से रिंसू यादव ने अपनी लाइफ जर्नी को स्टार्ट किया था और दोस्तों देखते देखते इनके चैनल पे करोड़ों में व्यूज आना स्टार्ट हो गया। दोस्तों 2020 दिसंबर के महीने में इन्होंने चैनल क्रिएट किया था और दोस्तों जब इन्होंने चैनल क्रिएट किया तो इनके वीडियो पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था। दोस्तों कोई भी यूट्यूबर क्रिएटर दोस्तों स्टार्टिंग वीडियो बनाएगा तो उनके चैनल पे 10 20 50 व्यूज ऐसे ही आता है, लेकिन दोस्तों इनके भी वीडियो पे इतना ही व्यूज आता था, लेकिन इन्होंने कभी भी अपने व्यूज पे फोकस नहीं किया, सिर्फ अपने काम पे फोकस किया, जिसका नतीजा दोस्तों आज है मिलियन। दोस्तों इनके चैनल पे 1.42 मिलियन दोस्तों सब्सक्राइबर हैं। दोस्तों 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। जिनके चैनल पे 10 लाख सब्सक्राइबर हो उनके चैनल की ग्रोथिंग क्या होगी और दोस्तों कितना अर्निंग होगा आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। और दोस्तों आज इनके चैनल से बहुत से ऐसी स्टोरी जुड़ी हुई आती है यूट्यूब पे जो कि दोस्तों लोग इनके बारे में घुमा फिरा बताते हैं। लेकिन मैं यह बता दूं आप लोग को, रिंसू यादव रायबरेली उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और 2020 में इन्होंने चैनल क्रिएट किया था। और दोस्तों इनके घर में इनका एक छोटा भाई है और दोस्तों इनके मम्मी पापा है और दोस्तों एक भाई एक बहन है और दोस्तों दोनों लोग साथ में वीडियो में नज़र भी आते होंगे। बहुत से वीडियो में इन्होंने दिखाया है, बताया कि ये कौन है, ये कौन है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोग बता दूँ, एक किसान की लड़की है। दोस्तों बहुत से लोग यही कहते हैं कि हम गांव में हैं क्या करें, लेकिन दोस्तों मैं आप लोग बता दूं, गांव सिटी से कोई भी फर्क नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। यदि आपके अंदर टैलेंट है तो आप लोग कहीं भी रहकर कुछ भी कर सकते हैं। जिस प्रकार से रिंसू यादव ने अपनी लाइफ जर्नी की स्टार्ट किया 2020 में, आज 2024 चल रहा है, इसके बीच में दोस्तों इन्होंने 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए। दोस्तों 1 मिलियन मतलब होता है 10 लाख। 10 लाख सब्सक्राइबर गेन करने में अच्छे अच्छे यूट्यूबर दोस्तों पसीने छूट जाते हैं। दोस्तों मैं आप लोग बता दूं, आज ये यूट्यूब से 1 से 1.5 लाख रुपए महीने इनकम करती हैं। और दोस्तों जब ये यूट्यूब स्टार्ट किया थे तो दोस्तों इनको लोग गालियां देते थे, सिर्फ इनके घर के लोग सपोर्ट किया करते थे। और जो कहा जाता है यदि घर के लोग साथ में खड़े कदम से कदम मिलाकर तो आपको सक्सेस होने में कोई भी नहीं रोक सकता है। जिस प्रकार दोस्तों इन्होंने अपने घर की सपोर्ट पाकर आस पास पड़ोस के जो लोग इनको गलत तरीके से बोलते थे उनके बातों को इग्नोर करके अपने मुकाम को हासिल किया है। दोस्तों बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ इस कहते हैं कि रिंसू यादव ने ऐसे किया काम, वैसे किया काम, उनका लक था, उनका किस्मत था जो कि दोस्तों आज इस पोजिशन पहुँच गई। लेकिन मैं आप लोग बता दूँ, एकाएक बहुत से ऐसे क्रिएटर हैं जो दोस्तों एकाएक दोस्तों डायरेक्टली दोस्तों पॉपुलरिटी में पहुँच जाते हैं, लेकिन उन्होंने मेहनत किया, 4 साल समय दिया यूट्यूब पे, आज 4 साल का नतीजा दोस्तों आज मिलियन। दोस्तों यदि आप लोग को रिंसू यादव के बारे में फुल स्टोरी या दोस्तों देखना चाहते हैं या दोस्तों इनके बारे में बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि दोस्तों अभी तक किसी ने नहीं बताया है, यदि आप लोग पूरा स्टोरी इनके बारे में जानना सुनना चाहेंगे दोस्तों मेरी वाली चैनल जुड़ी है। मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा कि इन्होंने किस प्रकार से यूट्यूब स्टार्ट किया था, अपनी पोजीशन कैसे हासिल किया, कितने लोग इनका सपोर्ट करते थे और स्टार्टिंग में कैसे वीडियो बनाती थी। दोस्तों मैं आप लोग को हर रोज़ एक क्रिएटर के बारे में बताता दिखाता हूँ कि लोग किस तरीके यूट्यूब स्टार्ट करते हैं, कैसे ट्रेंडिंग चले। दोस्तों मिलते रहेंगे रोज़ एक नई सीरीज तक के लिए। जय श्री राम।